8 सीक्रेट्स फैक्ट्स ऑफ रामायण। दोस्तों, रामायण हम सभी ने देखी है, लेकिन रामायण की ऐसी कुछ अनसुनी कहानियाँ भी हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। चलिए वन बाय वन हम इन 8 अनसुनी स्टोरीज को ब्रीफ में जानते हैं। पहला, फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं रामायण में ही गायत्री मंत्र की रचना हुई है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में 24,000 श्लोक हैं और हर एक 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से ही गायत्री मंत्र बनता है। इन्हीं 24 अक्षरों से गायत्री मंत्र की रचना हुई है। दूसरा, किसके अवतार थे भगवान राम के भाई। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन क्या आप जानते हैं राम जी के तीनों भाई किसके अवतार थे। दोस्तों, लक्ष्मण को भगवान विष्णु की सैया शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले सुदर्शन चक्र और शंख सहल का अवतार माना जाता है। तीसरा, क्या था सीता के स्वयंवर का कारण। दोस्तों, रामायण के अनुसार एक बार बचपन में ही माता सीता ने शिव धनुष पिनाका को उठा लिया था। ये देख मिथिला नरेश राजा जनक ने उसी समय तय कर लिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वीर से करवाऊंगा जो इस शिव धनुष को मेरी पुत्री की तरह आसानी से उठा सके। सीता के स्वयंवर में यही शर्त रखी गई। फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रभु श्री राम ने धनुष उठाया और उनका विवाह सीता जी से हुआ। नेक्स्ट, रावण भी पहुंचा था सीता के स्वयंवर में। दोस्तों, उस समय के कई राजा सीता के स्वयंवर में भाग लेने जनकपुर पहुंचे थे, जिसमें रावण भी मौजूद था। ऐसा माना जाता है मंदोदरी के रोकने के बावजूद लंका नरेश सीता के स्वयंवर में पहुंचे थे, लेकिन उस समय के सबसे पावरफुल योद्धा के रूप में जाने जाने वाले रावण भी बाकी योद्धाओं की तरह शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे थे। पांचवा, सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष का नाम। सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाका था। छठा, रामायण के अनुसार जब राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास गए थे, तब लक्ष्मण जी अपने भैया और भाभी की रक्षा के लिए कभी भी नहीं सोए। इसी कारण लक्ष्मण का नाम गुदाकेश पड़ा। ऐसा माना जाता है कि वन में पहली रात्रि जब श्री राम और माता सीता सो रहे थे, तो उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वे उन्हें ऐसा वरदान दे जिससे उन्हें वनवास के दौरान 14 वर्षों में कभी भी नींद ना आए, ताकि वे अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। जिसके पश्चात निद्रा देवी प्रसन्न हुई और बोली कि प्रिय लक्ष्मण, अगर तुम्हारे बदले कोई 14 वर्षों तक सोने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें ये वरदान दे सकती हूँ। तब लक्ष्मण ने उन्हें अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेजा, जहाँ उनकी पत्नी उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वो पूरे 14 वर्षों तक सोते रहे। सातवां, रावण का नाम कैसे पड़ा। दोस्तों, रावण को पहले दशानंद के नाम से जाना जाता था। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था और लंका के राजा बनने के बाद एक बार वो भगवान शिव से मिलने गए। उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत वो पहुंच गया, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा, तब शिवजी के द्वार पर नंदी ने उसे रोक दिया, क्योंकि उस समय भगवान शिव ध्यान में थे। पहले तो रावण को क्रोध आया, लेकिन अपने गुस्से को शांत करते हुए और अपनी भक्ति भावना को साबित करने के लिए वो कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा, जिसकी वजह से कैलाश पर्वत हिलने लगा और भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। वे क्रोधित हो गए, फिर उन्होंने अपना पैर पर्वत पर टिका दिया। शिव के ऐसा करने से रावण के हाथ की कुछ उंगलियां पर्वत के नीचे दब गईं, लेकिन इस अवस्था में भी उसने भगवान शिव को खुश करने के लिए तांडव मंत्र का उच्चारण जोर जोर से वो करने लगा। ये सब देख के भगवान शिव हैरान हो गए और सोचने लगे कि इतने कष्ट में भी कोई साधारण मनुष्य मुझे शांत करने के लिए कोई तांडव मंत्र कैसे कर सकता है। फिर वे दशानंद के पास आए और उसकी भक्ति देखकर ही उन्होंने दशानंद को रावण नाम दिया, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी दहाड़ तेज हो। आठवां, देवराज इंद्र के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। दोस्तों, कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जो देखने में बहुत ही भयानक था। रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता रहता था, लेकिन इसके अलावा वो 6 महीने तक क्यों सोता था। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा।
उधर देवराज इंद्र को इस बात से डर लगने लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। जिसके बाद उन्होंने सरस्वती जी से अनुरोध किया कि वे कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाएं, जिससे वे इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। जिसके बाद कुंभकर्ण ने जैसे ही वरदान मांगने के लिए अपना मुंह खोला, सरस्वती जी कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गई और ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग बैठा। और इस तरह से ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को निद्रासन का वरदान दे दिया।